एमपी की बेटियों के मन में मोदी, क्योंकि बेटियों के लिए उच्च शिक्षा की राह हुई आसान। रुपए 544 करोड़ की आर्थिक सहायता से मिली नई उड़ान। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000230230 पर मिस्ड कॉल करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को मध्य प्रदेश में अपनी रैलियों में कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को निशाना साधा है। साथ ही उन पर राज्य को अधिकार के युग में धकेलने का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीट के लिए 17 नवंबर को मतदान होना है और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। इस बीच चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पार्टी के लिए बड़वानी में रैली को संबोधित किया है। कई केंद्रीय जांच एजेंसियों के माध्यम से छत्तीसगढ़ और राजस्थान में उजागर हो रहे मामले की ओर इशारा करते हुए प्रधानमंत्री ने सवाल किया है कि यदि ये कड़ी मेहनत से कमाए गए ईमानदारी के रुपए हैं तो उन्हें गद्दे के नीचे क्यों छुपाया गया। वहीं अमित शाह ने गुना रैली में इंडिया गठबंधन और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पर तीखा हमला किया और आरोप लगाया है कि कांग्रेस किसी भी चीज की गारंटी देने की स्थिति में नहीं है। इंडिया गठबंधन के लोग और कांग्रेस के लोग एमपी को कोई भला नहीं कर सकते हैं। अभी कांग्रेस ने 5 गारंटी दी है। मैं कहना चाहता हूं कि जिनके पास अपनी गारंटी नहीं वो क्या गारंटी देंगे। मोदी जी ने इन 9 सालों में जो कहा वो करके दिखाया है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 70 साल तक राम मंदिर को लटकाती रही, 550 साल तक रामलला अपमानित अवस्था में थे। आपने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, उन्होंने राम मंदिर का भूमि पूजन किया और आज राम मंदिर बन रहा है। इसके साथ ही शाह ने कांग्रेस के केंद्रीय और राज्य नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा है कि इस बार मध्य प्रदेश में चुनाव 2 खेमे में है। 1 खेमे में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ हैं और 2 खेमे में पीएम मोदी, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया है। इन दोनों खेमों में से आपको चुनना होगा। और फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ परिधि रघुवंशी। कल फिर हाजिर होंगे दिन की बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मृदुभाषी को सब्सक्राइब करना ना भूले। एमपी की बेटियों के मन में मोदी, क्योंकि बेटियों के लिए उच्च शिक्षा की राह हुई आसान। रुपए 544 करोड़ की आर्थिक सहायता से मिली नई उड़ान। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000230230 पर मिस्ड कॉल करें।